टॉप स्टोरीज फॉर टुडे आर रणबीर और दीपिका की सीक्रेट मीटिंग, सलमान को है जूलियट की तलाश, बताएंगे कंगना और ऋतिक से जुड़ा एक स्वीट इंसिडेंट, और मधुर है तैयार विद चांदनी बार 2। हेलो गाइज, मैं हूँ शार्दुल और आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड। कटरीना और रणबीर के बीच चीजें कम अगली थी, जो अब दीपिका भी आ गई हैं बीच में बेचारी कटरीना के जले पर नमक छिड़कने। यू वोंट बिलीव दिस, बट दीपिका जो सिर्फ एक दिन के लिए मुंबई आई थी एक्चुअली चोज टू स्पेंड 4 आवर्स विद रणबीर कपूर एट हिज रेजिडेंस। रणबीर, आप क्या कर रहे थे? कटरीना कैफ, हम नहीं चाहते टू रब सॉल्ट ऑन योर वुंड्स, बट डू यू नो आपके पीछे पीछे क्या हो रहा है? Well, for starters, आपके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर ने अपने बैंड्रा फ्लैट में इनविटेशन दिया टू हिज फॉर्मर एक्स गर्लफ्रेंड एंड हिज तमाशा को स्टार दीपिका पादुकोण। स्पॉट बॉय के पास है अंदर की खबर कि ये कोई हाई बाय टाइप फ्रेंडली डेट नहीं थी। दीपिका ने एक्चुअली काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया विद कैटरीनाज एक्स बॉयफ्रेंड, जिनके साथ वो भी थी रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड एट वन पॉइंट। ये किस्सा है फ्राइडे इवनिंग का। दीपिका जो कि फिलहाल शूट कर रही है फॉर हर हॉलीवुड प्रोजेक्ट XXX विद विन डीजल, वाज इन द कंट्री एग्जैक्टली फॉर अ डे, and she chose to spend this time not with her boyfriend Ranveer but with her ex-boyfriend Ranveer. Let Spotboy tell you that Ranveer was in Dubai for an awards function, so ideally she did not need to make a stopover in India for a day. Par shayad Ranveer se milne ke liye she juggled her schedule around. Darasal wo fly out karne wali thi to Sri Lanka for her best friend's wedding and she could have taken a direct flight to Colombo, but unhone choose kiya to spend a day in India to catch up with her newly single ex-boyfriend Ranveer Kapoor. The meeting lasted fairly long. Tamasha co-stars Ranveer ke terrace par thi maujood, jahan they had a heart to heart. How we wish we were a fly on the wall. Aakhir kaun nahi janna chahta ki dono ke beech kya baat thi? Amidst all the ugly details of Kangana Ritik love story, main laya hoon bahut saalon purana ek sweet sa kissa related to both of them. Jo shayad kabhi Kangana ne Ritik se discuss bhi kiya ho aur jo shayad aaj bhi Kangana ko yaad aata ho. Check out the details in our next story. कंगना रनावत का रैक्स टू रिचेस स्टोरी है फॉर ऑल ऑफ अस टू सी। इट्स सुपर इंस्पायरिंग, यस इट ब्लोज योर माइंड। और अब जो किस्सा स्पॉट बॉय आपको बताने वाला है, इसे दिल थाम के सुनिए। रिमेंबर द टाइम व्हेन ऋतिक रोशन शॉट टू फेम विद हिज डेब्यू फिल्म इन 2000। कहो ना प्यार है थी एक इंस्टेंट सुपर हिट विद द यंग ऑडियंस एट दैट टाइम। कंगना जो समय रहती थी इन अ स्मॉल विलेज इन हिमाचल प्रदेश वाज ऑल ऑफ 12 और उनकी एज की हर दूसरी लड़की की तरह शी टू वाज स्मिटन बाय द यंग सुपरस्टार। ऋतिक का डिलिशियस चॉकलेट बॉय लुक हो या फिर वो मिल्स एंड बून्स टाइप रोमांटिक हीरो स्वैग या फिर उनके किलर डांस मूव्स, कंगना थी मेजरली लव क्रश्ड बाय दिस टॉल एंड हैंडसम न्यू हीरो। और जबकि कंगना द फैन अपने हीरो ऋतिक की फिल्म देखना चाहती थी बार बार, पर बिलीव इट नॉट शी कुडंट वॉच इट इवन वंस। द रीजन, हिमाचल के उस छोटे से गांव में अगर नई फिल्म देखनी हो तो नजदीकी बड़े टाउन जाना पड़ता था और शायद कंगना वॉज टू स्मॉल टू बी सेंट ऑल द वे टू टाउन जस्ट फॉर अ फिल्म। But incidentally, Kangna's close friend got a chance to go see the film. Kangna was super excited. उन्हें बेसब्री से अपनी दोस्त का इंतजार था जो कि वापस आकर उन्हें ऋतिक की पूरी फिल्म की स्टोरी बताती, फ्रेम बाय फ्रेम। जी हाँ, this was the time before mobile phones and internet were commonplace. Can you imagine back in the day, little Kangna ने सोचा तक नहीं होगा कि एक दिन न सिर्फ ऋतिक होंगे उनके real life hero, but someday he will also be the reason for her nightmares. It's amazing how the 28-year-old Queen star has been so upfront and honest about her relationship with Ritik in her legal notice. But on the contrary, Ritik's legal notice makes her look very bad. Spotboy wonders ki is trying time mein kya ye kahun na pyar hai wala incident crossed her mind. Maybe it hasn't, but it certainly has crossed ours and we couldn't help but tell you all about it. Salman Khan ne recently performed kiya at the Toifa. Unka performance to tha power packed, but there's something which went terribly wrong right before his act. क्या था वो, उसके लिए देखिए मेरी अगली स्टोरी। सलमान खान दिखे इन फुल फॉर्म एट द अवार्ड शो टॉयफा। सलमान हिट द स्टेज एंड परफॉर्म्ड पूरे जोर शोर से। सलमान ने डांस किया ऑन मेनी बॉलीवुड हिट्स, वेव्ड एट द ऑडियंस एंड स्माइल्ड एट देम। बेसिकली भाई वाज बीइंग द परफेक्ट एंटरटेनर। पर उनके परफेक्ट एक्ट के पीछे छुपी है अ नॉट सो परफेक्ट स्टोरी व्हिच लेफ्ट सलमान वेरी वेरी एंग्री। सलमान सफर्ड अ बिट ऑफ अ वार्डरोब मालफंक्शन। उन्हें परफॉर्म करना पड़ा इन शर्ट्स दैट वर टू टाइट। यू सी, सलमान ने अपनी बॉडी बनाई है फॉर सुल्तान। ही हैज बीफ्ड अप क्वाइट अ बिट, पर उनके परफॉर्मेंसेस के कॉस्ट्यूम्स बनाए गए टेकिंग हिज अर्लियर मेजरमेंट्स। बाय द टाइम सलमान को मिस्टेक रियलाइज हुई, इट वाज टू लेट टू मेक एनी ऑल्टरेशंस और गो आउट एंड गेट न्यू शर्ट्स।
सो सलमान को जबरदस्ती स्क्वीज होना पड़ा इनटू दीज टाइट शर्ट्स। स्पॉट बॉय को पता चला है कि परफॉर्मेंस के बाद सलमान गेव एन ईयरफुल टू द डिजाइनर्स। मधुर भंडारकर कंट्रोवर्शियल फिल्म चांदनी बार ने काफी न्यूज बनाई थी व्हेन इट हिट द थिएटर्स, और अब मधुर है तैयार टू स्टार सम मोर कंट्रोवर्सी एज वो चांदनी बार का सीक्वल बनाने के लिए हैं तैयार। मधुर भंडारकर और तबू की चांदनी बार रिलीज हुई बैक इन 2001, बट इट्स स्टिल अ वेरी मेमोरेबल फिल्म। चार नेशनल अवार्ड्स के बाद द फिल्म इज वन ऑफ मधुर एंड तबूज बेस्ट वर्क्स, और अब स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि द सीक्वल टू चांदनी बार इज ऑन द कार्ड्स। न्यूज कंफर्म करते हुए अमित मोहन, हु इज द सन ऑफ द लेट लता मोहन जिन्होंने प्रोड्यूस की थी चांदनी बार, टोल्ड अस, मधुर इज इवन फिनिश्ड राइटिंग अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द स्टोरी। वी प्लान टू पुट द फिल्म ऑन फ्लोर सम टाइम दिस ईयर, प्रोबेबली बाय जुलाई ऑगस्ट। अमित ने हमसे कहा कि मधुर काफी टाइम से सीक्वल बनाना चाहते थे, हाउएवर इट वाज फाइनलाइज्ड व्हेन रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द पुलिस टू इश्यू लाइसेंसेस टू द डांस बार्स। सोर्सेस की माने तो मधुर ने इस फिल्म के लिए काफी रिसर्च की। सीक्वल होगी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इन द सेंस कि इट विल फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स हु वेंट जॉबलेस आफ्टर द बैन ऑन डांस बार्स। पर क्या तबू दिखेंगे इन द सीक्वल? सॉरी गाइस, पर स्पॉट बॉय नोज कि तबू नहीं होंगी इन द लीड रोल, और सोर्स टोल्ड अस मधुर इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग एन एक्ट्रेस इन द टॉप लीड। व्हेन वी कॉन्टेक्ट मधुर, ही सिंपली टोल्ड अस इट्स अ बिट अर्ली टू टॉक अबाउट दिस। मधुर माइट बी गियरिंग अप फॉर द सीक्वल, पर डिड यू नो कि अ डायरेक्टर ड्यूओ भी बना रहे हैं अ सीक्वल टू चांदनी बार। हरीश कोटियान एंड संदीप चौधरी आर मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड चांदनी बार टू रूबी बार। अमित और मधुर ने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की है। We eagerly await Association of Motion Pictures and TV Program Producers to take action against Harish and Sandeep. We don't even know who are these two guys, never seen them, never even heard of them. How can they declare in the press that they are making a sequel to a film whose rights belong to me? They have neither purchased the rights nor do I have any intention of selling them. Let's see is film ka fate kya hoga. Salman ko hai talash Juliet ki. To agar aap hai young, talented and Salman types, तो जल्दी जाइए और ऑडिशन करिए फॉर सल्लू भाईज नेक्स्ट वेंचर। बट लेट मी ब्रेक योर हार्ट अ बिट, इस फिल्म में नहीं होंगे सलमान, बट ही विल श्योरली लॉन्च टू न्यू फेसेस अगेन। कई न्यू कमर्स को लॉन्च करने के बाद सलमान है रेडी वंस अगेन टू लॉन्च न्यू फेसेस। सलमान अब बनाएंगे बॉलीवुड वर्जन ऑफ द 2012 पंजाबी सुपरहिट जट एंड जूलियट, जिसमें स्टार्स थे दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा। हीरो की तरह सलमान इस फिल्म में भी लॉन्च करेंगे दो नए स्टार। मेल लीड करेंगे सलमान के फ्रेंड के बेटे जहीर, और फीमेल लीड के लिए अभी भी जारी है सलमान की खोज। फिल्म के राइट्स हैं सलमान के क्लोज फ्रेंड हिमेश रेशमिया के पास, और खबर है कि हिमेश ने ही स्क्रिप्ट सुनाई सलमान को। और फिर क्या था, सलमान भाई को पसंद आई स्क्रिप्ट और उन्होंने डिसाइड कर लिया टू मेक द फिल्म इन हिंदी। स्पॉट बॉय को पता चला है कि सलमान कर रहे हैं मॉनिटर कई सारे एरियाज ऑफ द फिल्म इंक्लूडिंग द म्यूजिक। Well, ये तो रही अच्छी न्यूज फॉर एनी लेडी लुकिंग फॉर अ बिग ब्रेक इन बॉलीवुड, सलमान्स ऑन अ हंट फॉर गर्ल्स। शाहिद कपूर का डेब्यू तो था मच टॉक्ड अबाउट, बट क्या ऐसा ही डेब्यू मिल पाएगा उनके छोटे भाई ईशान को भी? यू गेस्ट इट राइट, शाहिद यंग ब्रदर ईशान ने किया है ऑडिशन फॉर धर्माज नेक्स्ट। मोर डिटेल्स अप नेक्स्ट। शाहिद कपूर आते हैं फिल्म फैमिली से, और स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि शाहिद के फैमिली से एक और मेंबर तैयार हो रहे हैं फॉर अ बॉलीवुड डेब्यू। शाहिद के हाफ ब्रदर ईशान खट्टर तैयार हो रहे हैं अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए। उनका हुआ है ऑडिशन फॉर धर्मा प्रोडक्शंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए। स्पॉट बॉय ने आपको पहले बताया शाहिद ग्रूम कर रहे थे ईशान को फॉर अ बॉलीवुड करियर। ईशान ने पहले काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन उड़ता पंजाब। अब अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ईशान देखे जाएंगे इन द सीक्वल टू द स्मैश हिट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसने लॉन्च किया था एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्टार्स को, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन। Here's wishing Ishan the best of luck. Moving on, अब वक्त है हमारी अगली स्टोरी पर नजर डालने का। इस वीक रिलीज हुई आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड फवाद खान स्टार कपूर एंड सन्स। ये फिल्म थी मच अवेटेड एज शानदार के डिबैकल के बाद ये है आलिया की नेक्स्ट फिल्म। ऑल्सो सिद्धार्थ और आलिया की जोड़ी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म के साथ वापस देखने मिली। And not to forget, after खूबसूरत superb response, this was Fawad's next Bollywood film as well. तो क्या इस much anticipated film ने box office पर कमाल दिखाया? Well yes, इस film ने जीते काफी दिल। From the narration to the performances, Kapoor and Sons has managed to get good reviews.
फिल्म का वीकेंड कलेक्शन रहा 25.50 करोड़ एंड आलिया और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री थी काफी रियल। वेल नाउ दैट हैड टू बी और ऋषि कपूर रत्ना पाठक के एक्टिंग टैलेंट ने एक बार फिर प्रूव किया दैट दीस गाइज आर वेटरन्स। स्पॉट बॉय के लास्ट एडिशन में हमने आपसे पूछे थे आपके व्यूज ऑन सलमान्स वार्डरोब ट्रबल्स एट टॉयफा। ये है आपके कमेंट्स। श्रेया सेज, होता है कभी कभी, आई फील बैड बट सलमान वॉज अनकंफर्टेबल। उदय सेज, भाई के टाइट कपड़े देख के मेरा दम घुट रहा था। स्क्रिलेक्स सेज, ऐसा नाम क्यों रखा, हमेशा टाइट रहने वाले भाई को टाइट कपड़ों से इतना प्रॉब्लम। उमेश सेज, सही है, इतने टाइट कपड़े पहनने में ही भाई का कार्डियो हो गया होगा। कीप सेंडिंग योर इंटरेस्टिंग कमेंट्स गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज मी शार्दुल साइनिंग ऑफ। Stay connected to Spotboy, sab kuch Bollywood, by logging on to our site and our YouTube channel. See you for now, but stay tuned for some mazedar music.